मकर संक्रांति के खत्म होने के साथ ही यूपी में आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी अब मिशन मोड में जुटने वाली है। एमएलसी चुनाव, निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नई रणनीतियों पर काम करेगी। मकर संक्रांति के खत्म होने के साथ ही बीजेपी एमएलसी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर कानपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रत्याशी कार्यालय का उद्घाटन किया और सभी सीटों पर जीत का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों शिक्षक की और हमारी तीनों स्नातक वाली सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमएलसी चुनाव के साथ ही निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बना रही है। मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर मिशन मोड में जुटने वाली है। संगठन के साथ साथ सरकार के मंत्रियों को भी अलग अलग संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी देने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। पार्टी के मुताबिक इसी महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद बीजेपी का चुनावी बिगुल बज जाएगा। पार्टी सशक्त मंडल सशक्त बूथ को कैसे मजबूत करके हम सभी 80 सीटों पर विजय प्राप्त करें, इसके लिए भी अभियान हम चला रहे हैं और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी लोकसभा सीटों पर, 80 लोकसभा सीटों पर सभी जगह सरकार के मंत्री भी भ्रमण करेंगे और उन जिलों के अंदर प्रभारी के रूप में काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अभियानों के जरिए आने वाले चुनावों की जो पूरी तैयारी है उसको गति देने जा रही है, तो वहीं बूथ से लेकर राज्य स्तर तक संगठन में होने वाले बदलाव के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को दुरुस्त करने की तैयारी में है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के साथ साथ विधान परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिल सके। वीडियो के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।